2019 वर्ल्ड कप में टीम द्रविड़ के सितारे मनजोत कालरा है। मनजोत कालरा वही सुपर हीरो है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़कर हमें चौथी बार वर्ल्ड कप दिलाया है। तो आइए इनसे जानते हैं इनके सफर के बारे में कि कैसा रहा इनका ये लाइफ जर्नी और किस कैसी कैसी चल रही है इनकी लाइफ अब आगे। तो मंजोत, हमें आपसे पूछना चाहिए कि अब तक का जो सफर है आपका, मतलब ये आपने क्रिकेट इस तरह शुरू किया और फिर आज आप टीम इंडिया जो वर्ल्ड कप जीत चुकी है उसके खिलाड़ी और न सिर्फ खिलाड़ी, आपने वर्ल्ड कप में के फाइनल में शतक जड़कर, तो कैसा रहा आपका अब तक का ये सफर? ये सफर थोड़ा मतलब एक्साइटेड भी था, थोड़ा टफ भी था। मतलब वर्ल्ड कप जाने से पहले जो प्रिपरेशन वगैरह थी और स्टेट मैचेस वगैरह खेलना, उनमें परफॉर्म करना, तो इसमें मतलब काफ़ी मुश्किलें भी आई थी और बहुत मतलब ऐसे कुछ टाइम भी था जहाँ बहुत इन्जॉय भी किया। वर्ल्ड कप जाने से पहले मतलब जिस तरह तैयारी करी तो वो मतलब उधर बहुत मज़ा भी आया। अच्छा, आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में 86 रन की पारी खेली, बहुत शानदार। उसके बाद आपने फाइनल में भी शतक जड़ा, लेकिन जब आप शतक आपका पूरा होने वाला तो हार्दिक देसाई जो है वो चौके मार रहे थे, तो हम सब में भी डर था कि सेंचुरी होगी नहीं होगी, आपको क्या फील हो रहा था उस टाइम पर? नहीं, तब रन भी बहुत पड़े थे, जब मैं 99 पे था तब 12 रन पड़े थे और वो मतलब ऐसा, हाँ उसने मारे तो देख दो जाके, पर एक आया नहीं उस टाइम पर क्योंकि मेन एम वर्ल्ड कप ही था। सेंचुरी उस टाइम पर दिमाग पे नहीं आई, पर सेंचुरी भी इजीली हो जाती, एक रन चाहिए। वर्ल्ड कप की इस टीम को टीम द्रविड़ कहा जा रहा है और राहुल द्रविड़ की काफी तारीफ भी हो रही है, आपकी टीम की भी तारीफ हो रही है, तो उनकी कोचिंग के बारे में, वो किस तरह से कोचिंग करते हैं, आप मतलब आपके जो अभी तक स्कूल लेवल पे या आपके बाकी लेवल पे जो भी कोचिंग रही और उसके मुकाबले जो राहुल द्रविड़ की कोचिंग है उसमें क्या फर्क है उनकी, मतलब एक कोचिंग ज्यादा टेक्निक वगैरह के बारे में बात नहीं करते, मेन होता है उनका माइंड वगैरह, मेंटल गेम कहते हैं वो, कि मतलब ज्यादा टेक्निक वगैरह में चेंज नहीं लाते, बस ये बताते हैं कि मतलब ग्राउंड पे कैसे रहना और एटीट्यूड के बारे में। उनका राहुल द्रविड़ की जो टेक्निक है वो हवाई शॉट बहुत कम मारते हैं, तो वो कभी आपको भी इस तरह से सजेस्ट करते हैं कि आप भी जो है ग्राउंड पे रहिए और मतलब आपके जो शॉट्स हों वो बिल्कुल जमीन से लगते हुए जाएं। हाँ, ये बीच में समझाया था पर वो ज्यादा इस टेक्निक के बारे में नहीं बात करते। कितने स्ट्रिक्ट है राहुल द्रविड़? तो बिल्कुल नहीं, मतलब कोई कुछ बैन वैन नहीं कि ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये इतना इतनी प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं, बहुत कूल रहते हैं। जितना वो शांत दिखते हैं नॉर्मली उतने ही शांत है, या मस्ती वस्ती करते हैं आप लोगों के साथ? और आपके जो शॉट्स हैं अब जो आपने खेले उसके बाद से, बहुत लोगों ने और नॉर्मल लोग भी और क्रिकेट के जो दिग्गज हैं और जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं और जितने एनालिस्ट हैं वो सब यही कह रहे हैं कि आप युवराज सिंह के साथ आपको कंपेयर किया जाता है कि शॉट्स आप उनकी तरह खेलते हैं, क्या लगता है और कैसा महसूस होता है कि कितना एडमायर करते हैं? मतलब कंपेयर तो किया जा नहीं सकता क्योंकि अभी मेरी शुरुआत ही और वो एक बहुत बड़े प्लेयर है, तो मतलब अब बाकी ने शॉर्ट्स वगैरह सेम लगते हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आपका कौन है फेवरेट प्लेयर, किसके शॉर्ट्स मतलब आपको लगता है कि ये बढ़िया है और मुझे इनकी तरह खेलना है, या कुछ भी, या सिर्फ अपना स्टाइल है? स्टाइल मेरा अपना है, कि मैं खेलते हुए किसी को कॉपी नहीं करता। कि मंजोत, आप भी लेफ्ट हैंडर हैं, तो आप नेचुरल लेफ्ट हैंडर हैं या आपके पीछे भी कोई कहानी है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज बनने की? जैसे कई सारे बल्लेबाज, जैसे गांगुली के बारे में कहा जाता है, गांगुली बॉलिंग जो है ना वो राइट हैंड से करते हैं, लेकिन नेचुरली लेफ्टी लेफ्टी। ओके, और क्रिकेट की तरफ अपना थोड़ा सा स्टार्टिंग से आप बैकग्राउंड बताइए कि कैसे, घर में कोई था या फिर अपने आप ही सब कुछ कैसे शुरू हुआ? पहले मेरे बड़े भाई खेलते थे क्रिकेट, मैं सिर्फ उनके साथ ग्राउंड जाता था, मतलब टाइम पास हुआ एंजॉय वगैरह करने से। फिर धीरे धीरे मैंने भी शुरू कर दिया, अंडर 14 खेला, फिर धीरे धीरे क्रिकेट में और इंटरेस्ट बढ़ गया, तो डिसाइड कर लिया कि क्रिकेट ही खेलना। अगर हम सीनियर्स खिलाड़ी की बातें करें तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं और आप चूंकि आप भी अंडर 19 जीत चुके हैं, तो आपको कुछ अपने सीनियर्स खिलाड़ी से कुछ टिप्स मिलते हैं कि अब आपका जो लक्ष्य है वो ऑब्वियस बात है कि आपको सीनियर टीम में जाना ही मतलब है, तो आपको कुछ उनसे मिलते हैं इस तरह के हेल्प के आगे आपको बढ़ने के लिए? अगर दिल्ली की बात की जाए तो अभी मैं रणजी ट्रॉफी में उन लोगों के साथ खेला नहीं, अगर विजय गार में चांस मिलेगा तब, और आईपीएल में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि अभी तक मैं इनके साथ खेला नहीं हूँ, आगे जाके खेलूंगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, अब वर्ल्ड कप आप जीत कर आए हैं तो सब लोग आपको पहचानते हैं, सब लोग आपको जानते हैं, कितना लाइफ चेंज हुआ है, मतलब घर के आसपास या बाहर कहीं जाते हैं तो क्या चेंजेस आए हैं?
मतलब ये अब लोग मतलब और भी खुश लगते हैं और उम्मीदें भी उनकी बढ़ गई है, मतलब अब सारे पूछते एरिया में और सारे खुश भी है बहुत। थोड़ा बहुत चेंज तो हो ही गया है। सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आपकी आने लगी है अब? हाँ थोड़ी बहुत तो वो कैसा लगता है उसको लेके? अच्छा, मतलब महसूस होता है कि नहीं अभी और इंस्पिरेशन है या फिर क्या है वो चीज? अभी लगता है कि अभी इतना कुछ किया नहीं, अभी तो आगे और करना है। मुझे एक बहुत बेसिक रिकॉर्ड एक अभी कुछ दिनों से बन रहा था कि जब भी टीम इंडिया किसी बड़े आईसीसी की किसी बड़े टूर्नामेंट में खेलने जा रही थी तो एक बड़ा अजीब सा संयोग बन रहा था कि वो जिस टीम से पहले मैच खेलती थी उसी से उसका फाइनल हो रहा था। लेकिन उसमें एक विचित्र बात ये भी थी कि जिससे पहली बार खेलती थी उससे फाइनल में जाके हार जाती थी। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में सीनियर टीम के साथ यही हुआ, उन्होंने पहला मैच पाकिस्तान से खेला, हराया, लेकिन जैसे ही फाइनल में पहुंचे पाकिस्तान ने उनको हरा दिया। आपके साथ भी लगभग वैसा ही हुआ था कि आपने पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरी तरह से हराया था और सामने फिर से फाइनल में आपके सामने ऑस्ट्रेलिया थी, तो आपको क्या लग रहा था कहीं कहीं ना कहीं दबाव था टीम का कि नहीं हमें फाइनल में भी तो हमने हराया? हाँ वही, लेकिन ये इसके बाद बना, उससे पहले दो टूर्नामेंट में ऐसा हुआ था। लड़कियों का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी यह था कि आपने पहला इंग्लैंड के साथ खेला था और आखिर में आप उन्हीं से ही हारे थे, तो ऐसा कहीं दबाव ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था? नहीं। अच्छा, और एक बार बताइए कि आपने सभी टीम्स को एक बहुत मतलब मेजर हमें देखने को मिला इस बार वर्ल्ड कप में अंडर 19 में कि हर टीम को ऑल आउट किया गया है, बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया, जबकि हमारे देश में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब बल्लेबाजी रहे हैं, बॉलर्स हमेशा दबे रहे हैं, मतलब कभी भी इतना उभर कर नहीं आए सामने, और लेकिन यहाँ पर किया। तो टीम्स कैसी थी, अपोनेंट्स जो थे आपके, कि वीक ऑलरेडी आपको लगा कि वीक ही थे या फिर वाकई में गेंदबाजों ने बहुत अच्छा किया है, पर टीम्स भी अच्छी थी। जैसे पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा था, पर लेकिन हमारा बॉलिंग अटैक मेरे को बहुत बढ़िया लगता था, मतलब सारे एक्सपीरियंस बॉलर थे, सबको अपना रोल पता था कि क्या करना है। आईपीएल को लेकर के क्या है, आपको क्या लगता है कि आईपीएल में अब आप खेलेंगे इस बार के सीजन में और बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी दुनिया के रहते हैं उसमें भी, सभी जगह से आते हैं, आपको क्या लगता है कि ये कितना फायदेमंद होगा आगे के लिए? और ये आगे के लिए बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि जैसे अभी तक अंडर 19 के बॉलर फेस कर रहे थे, अब जाके इंटरनेशनल बॉलर फेस करने को मिलेंगे और उनका एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा उनसे। और अब आप दिल्ली से खेलेंगे, विक्की पॉन्टिंग कोचिंग करेंगे उनकी, और जहां तक है गौतम गंभीर का ही नाम सामने आ रहा है कि वही आपके कैप्टन बनेंगे, तो बताइए एक्सपीरियंस कुछ कैसा, मतलब कैसा महसूस हो रहा है कि आईपीएल के लिए? तो बहुत एक्साइटेड है, आपको बताया, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सबसे। ओके, आईपीएल से पहले एक खबर आई थी जब ये नीलामी नहीं हुई थी तो कहा जा रहा था, राहुल द्रविड़ ने बाकायदा बोला है कि बोले आप लोग इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा ये, और आपके लिए वर्ल्ड कप 2 साल में एक बार आता है और ये हर साल आता है। तो जब आईपीएल की नीलामी यहाँ चल रही थी और वहां आप लोग, तो कुछ वहां का माहौल कैसा था? नहीं, उन्होंने ऑप्शन देखने के लिए तो मना ही करा था, पर फिर भी ऐसा था कि हम लोग मीटिंग थी जब ऑप्शन चल रहा था तो इतना ध्यान कुछ दिया नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि हाँ जिस काम के लिए आए वर्ल्ड कप के लिए वो मेन है, आईपीएल तो हर साल होता है, इस साल नहीं तो अगले साल आ ही है। और राहुल जो है वो हमेशा यही बोलते हैं कि घरेलू टूर्नामेंट, मतलब बेसिक आप किसी भी बड़े खिलाड़ी पर जाएं, तो जैसे मेरी कुछ दिन पहले किसी एक खिलाड़ी से और बात हुई थी तो गौतम गंभीर ने भी उन्हें यही कहा था कि अगर आप घरेलू टूर्नामेंट खेलेंगे तो अपने आप सीनियर टीम में चले जाएंगे, वो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कितना आपको भी लगता है कि घरेलू टूर्नामेंट जितने भी होते हैं ये आपके डोमेस्टिक वाले, वो कितने जरूरी हैं और क्या सीखने को मिलता है ये जो ट्रॉफी? हाँ, ये रणजी वगैरह जितने भी ये मेन तो रणजी ट्रॉफी है ही है, इसमें कोई परफॉर्म करेगा तो मतलब उसके आगे के रास्ते खुल जाते हैं और इजी हो जाता है अगर इसमें कोई अच्छा कर रहा है तो। आजकल तो 19 की क्रिकेट भी बहुत ज्यादा हो गई है, रणजी ट्रॉफी में तो होती है वनडे वगैरह, टेस्ट मैच, 20-20 सब कुछ होता है। मंजूर, आप ये एक वर्ल्ड कप खेल चुके हैं तो आपने, आपको लगता है कि आपने क्या टारगेट सेट किया है कि अब आप सीनियर टीम की तरफ से कौन सा वर्ल्ड कप खेलना चाहेंगे, किस वर्ल्ड कप में आप सीनियर टीम में इंक्लूड होना चाहेंगे, आप ऐसा मतलब कोई आपका लक्ष्य है? अभी तो लक्ष्य ऐसे मैं डिसाइड नहीं कर सकता, अगर आगे किसी और चीज में चांस मिलता है उसमें अच्छा करेंगे तभी आगे जाके नाम आए। बिल्कुल, तो आपने सीनियर टीम ऐसे कुछ नहीं सोचा? ठीक है, अब बहुत बढ़िया, आपने बताई सब चीजें हमें। आप ये बताइए, अब कुछ मैसेज जो बच्चे अब बढ़ रहे हैं आगे खेलने के लिए,
जो खेलना चाहते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि नॉर्मली सोचते हैं कि कुछ दिन खेले नहीं चले तो हम छोड़ देते हैं, खेल को ड्रॉप मार देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? अगर जिसका इंटरेस्ट है तो वो अपना पूरा हार्डवर्क करे गेम में, और मतलब पूरा इंटरेस्ट लेके खेले। ये नहीं अगर खेल रहे बीच में छोड़ दिया, या तो यही हो कि सिर्फ ऐसे ही खेल रहे अपनी फिटनेस वगैरह के लिए, फिर तो ठीक है। अगर लगता है कि खेल सकते हैं तो खेल। अभी के लिए इतना ही।